गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास, दिस इज़ वनीशा, यूर टीचर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम कल्पना चावला विद्यापीठ। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी एट योर प्लेसेस एंड डूइंग यूअर होमवर्क ऑन डेली बेसिस। वी हैव जस्ट कम्प्लीटेड 3 चैप्टर्स ऑफ रीडर। 4th चैप्टर है बेटा आपका हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली चैप्टर हम जब दिवाली आएगी तभी करेंगे, क्योंकि हमने उसके साथ एक एक्टिविटी भी करनी है, तो हम तभी वो चैप्टर करेंगे जब दिवाली आएगी। तो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, द कलरफुल गार्डन। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं बेटे, कलरफुल गार्डन। ये एक स्टोरी है गार्डन के बारे में, इसमें किंग भी है, एक बॉय भी है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, बिल्कुल ध्यान से आप समझोगे। ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट। डू यू एवर नोटिस बर्ड्स इन यूर नेबरहुड? क्या आपने कभी अपने नेबरहुड में, अपने पड़ोस में बर्ड्स को नोटिस किया है? हैव यू थॉट ऑफ बिल्डिंग ए गार्डन इन यूर होम? क्या आपने कभी सोचा है कि उनके लिए गार्डन बना दिया जाए अपने घर पे, या उनके लिए कभी कोई नेस्ट बना दिया जाए, या उनके लिए कभी खाना रख दिया जाए, या उनके लिए पानी रख दिया जाए? कभी सोचा है? कई लोग तो रखते भी हैं बर्ड्स के लिए, कोई दाना डालता है, कोई उनके लिए पानी रखता है भर के, तो ये करना चाहिए। Once there was a king who had a spectacular castle surrounding by a magnificent garden. कि एक बार की बात है, किंग था, उसका बहुत स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है वंडरफुल, बड़ा अद्भुत सा, बड़ा सुंदर सा महल था। कास्टल होता है बेटा महल। सराउंडेड बाय अ मैग्निफिकेंट गार्डन, और उसके महल के चारों ओर बड़ा सुंदर सा, मैग्निफिकेंट का मतलब होता है बेटा बड़ा ब्यूटीफुल, अमेजिंग एक गार्डन था। देयर लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग बर्ड्स इन दोज गार्डन्स, और उसके जो गार्डन बने हुए थे महल के चारों ओर, कास्टल के चारों ओर, उसमें हजारों की संख्या में ब्यूटीफुल और चार्मिंग बर्ड्स रहते थे। टर्निंग द कास्टल इंटू अ पैराडाइज, जिससे कि वो जो महल था बिल्कुल पैराडाइज का मतलब होता है हेवन, बिल्कुल स्वर्ग की तरह लगता था, कि वहाँ सारा दिन पक्षियों का शोर होता था, सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे वहाँ पे, अच्छे अच्छे ट्रीज थे। There was only one thing that the king detested. It was a very huge tree that had now become very broad at its base and occupied a lot of space. कि सिर्फ एक ही चीज़ थी जो किंग को उस गार्डन में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। Detested का मतलब होता है डिसलाइक, मतलब पसंद ना होना। उस गार्डन में सिर्फ एक ही चीज़ थी जो किंग को पसंद नहीं थी, वो क्या थी? It was a very huge tree that had now become वेरी ब्रोड, कि उस गार्डन में एक बड़ा सा ट्री था, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, बड़ा सा ट्री था जो कि नीचे से काफ़ी फैलता जा रहा था, उसकी जड़ें काफ़ी फैलती जा रही थी, उसका जो ट्रंक था वो भी काफ़ी फैलता जा रहा था उसकी बेस से, और उसने बहुत ज़्यादा स्पेस लिया हुआ था। इट स्टूड इन द सेंटर ऑफ द गार्डन एंड ड्रोन इट्स ब्यूटी, उसको ऐसे लगता था किंग को ये बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि वो ट्री कहाँ था? इन द सेंटर ऑफ द गार्डन, और उसको ऐसा लगता था कि इस ट्री की वजह से गार्डन की जो खूबसूरती है वो ख़राब हो रही है, उसकी ब्यूटी ख़राब हो रही है। दिस अपसेट द किंग सो मच दैट ही फाइनली ऑर्डर्ड इट टू बी कट डाउन, इससे किंग काफ़ी अपसेट हो गया देख के ट्री को, तो किंग ने क्या ऑर्डर दिया फाइनली, कि इस पेड़ को काट दिया जाए, कट डाउन कर दिया जाए, एंड रिप्लेस्ड विद अट्रैक्टिव गार्डन फाउंटेन्स, और इसमें ट्री की जगह पे अट्रैक्टिव गार्डन फाउंटेन लगाया जाए। वो दिमाग में देखो सोच रहा था ये फाउंटेन है कि यहाँ पे फाउंटेन लगाया जाए। अ फ्यू मंथ्स लेटर द किंग रियलाइज, कुछ महीनों के बाद किंग को कुछ रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ? देयर वॉज हार्डली एनी एनिमल्स एंड बर्ड्स टू बी सीन इन द गार्डन, कि उस गार्डन में बहुत कम एनिमल्स और बर्ड्स रह गए थे, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स उस पुराने पेड़ पे रहते थे नेस्ट बना के, कुछ बर्ड्स नेस्ट बना के रहते थे, एनिमल्स भी रहते थे, कुछ एनिमल्स उस पेड़ की जो खोल होता, ट्रंक होता, उसमें छेद करके
छेद बना के उसमें रहते थे। लेकिन कुछ महीनों के बाद किंग को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ से तो काफ़ी सारे बर्ड्स और एनिमल्स कम होते जा रहे हैं। अब इसका क्या रीज़न था? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ही सेंट फॉर हिज मिनिस्टर्स एंड आस्क फॉर देयर ओपिनियन, कि बिना टाइम वेस्ट किए किंग ने क्या किया, अपने मिनिस्टर्स को भेजा और उनसे उनका विचार पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। नो वन वॉज एबल टू सोल्व द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, किसी को भी उसकी जो प्रॉब्लम थी, वहाँ पे पेड़ नहीं थे, उसकी वो प्रॉब्लम की रूट मतलब जड़ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इतने सारे पेड़ पशु पक्षी यहाँ से एनिमल्स और बर्ड्स कम क्यों हो रहे हैं। सून ए बॉय प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द किंग, एक दिन क्या हुआ, जल्दी ही एक बॉय ने अपने आप को किंग के आगे पेश किया, मतलब एक बॉय किंग के आगे आके मिला उससे। ही डिक्लेयर दैट ही कुड एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपन, उसने डिक्लेयर किया कि मैं आपको समझा सकता हूँ कि एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। यूअर मैजेस्टी द एनिमल्स एंड बर्ड्स अबैंडन यूअर गार्डन बिकॉज यू कट डाउन द ह्यूज ट्री, अब वो समझाता है यूअर मैजेस्टी मतलब किंग कि एनिमल्स और बर्ड्स ने आपके गार्डन को छोड़ दिया है, अबैंडन का मतलब होता है छोड़ के चले जाना, क्योंकि बिकॉज यू हैव यू कट डाउन द ह्यूज ट्री, क्योंकि आपने उस पेड़ को बड़े से जो पेड़ था उसको काट दिया है। अब किंग को पूरी बात समझ में नहीं आई क्या कहना चाह रहा है वो। ही स्टार्टेड इलाबोरेटिंग हाउ द गार्डन्स बिग एनिमल्स फेड मोस्टली ऑन द लिटल रोडेंट्स एंड बर्ड्स, तो उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया। इलाबोरेटिंग का मतलब होता है हर बार डिटेल में बताना, बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ को खोल के बताना। उसने बताया जो बड़े एनिमल्स होते हैं, क्योंकि जहाँ भी गार्डन होता है हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक सर्कल चलता रहता है, बड़े एनिमल छोटे एनिमल को खाते हैं, छोटे एनिमल और भी उसके छोटे एनिमल को खाते हैं, तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है, चाहे फॉरेस्ट हो चाहे कोई भी जगह हो एटमॉस्फेयर में ये चीज़ चलती रहती है। जैसे कैट है वो माउस को खाती है, माउस से और छोटे मोटी चीज़ों को खाते रहते हैं आपके घरों में, तो ऐसे प्रोसेस को चलता रहता है, ये प्रोसेस ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वही वो लड़का एक्सप्लेन कर रहा था कि बिग एनिमल्स फैट का मतलब होता है खाते थे, मोस्टली ऑन द लिटल रोडेंट्स एंड बर्ड्स, कि बिग एनिमल्स जो छोटे छोटे बर्ड्स को, रोडेंट्स होते हैं जो ब्रो में रहने वाले होल्स में रहने वाले एनिमल्स होते हैं ना, जैसे रैट हो गए, रैबिट्स हो गए या स्क्वेरल्स होगी, गिलहरियाँ होगी, तो बड़े एनिमल्स उन छोटे एनिमल्स और बर्ड्स को खाते थे। The birds fed themselves on small insects, और birds क्या खाते हैं, वो small insects को खाते हैं, whose nourishment were the species of plants and flower that thrived in the garden, और उनका जो पोषण मिलता था, उनको nourishment मिलता था उनसे, उससे क्या होता था, जो garden में flowers होते थे तो बर्ड्स का स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते थे, और इंसेक्ट्स किसको खाते हैं, इंसेक्ट्स फ्लावर के बीच में वो रस होता है ना उसको सीप करते रहते हैं, तो जो बर्ड्स को ऑटोमेटिकली जो फ्लावर्स का जो नोरिशमेंट होता था वो मिलता था। नाउ दैट द ट्री वॉज नो मोर, क्योंकि अब ट्री तो था ही नहीं, द एनिमल्स हैड लॉस देयर शेल्टर एज वेल एज देयर फूड, तो एनिमल्स ने अपना शेल्टर मतलब रहने की जगह भी खो दी और अपना खाना भी खो दिया। एंड कैन यू टेल मी हाउ यू नो ऑल दीज थिंग्स बींग सो यंग, आज द किंग, अब किंग उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कितने छोटे होते हुए भी तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता हैं। द बॉय आंसर्ड, बॉय क्या जवाब देता है, आई नो दिस बिकॉज नाउ ऑल द ब्यूटीफुल बीज बर्ड्स द एनिमल्स फ्रॉम योर गार्डन आर रिसाइडिंग इन माइन, अब वो कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि आपके गार्डन के जितने भी सुंदर सुंदर बीज थी, मधुमक्खियाँ थी, बर्ड्स थे और एनिमल्स थे, वो सभी अब मेरे गार्डन में आके रहने लग गए हैं। अ ह्यूज ट्री स्टैंड्स इन माई गार्डन, कि मेरे गार्डन में भी एक बहुत बड़ा सा ट्री है, पेड़ है। इट इज़ थ्रोंग्ड बाई इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, कि वो उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स और रोडेंट्स हैं, मतलब छोटे छोटे एनिमल्स अपना घर बना के रहते हैं। विच अट्रैक्ट्स दी बर्ड्स एंड टाइनी प्लांट्स ग्रो इन इट्स शेड, जो कि बर्ड्स और टाइनी प्लांट्स को अट्रैक्ट करते हैं, कि बर्ड्स उनको देखते हैं कि इस पेड़ पे तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं,
तो वो उनको आके खाती हैं, और पेड़ की छाया में छोटे छोटे पौधे हैं वो अपने आप ही उग जाते हैं। प्रोवाइडिंग फूड फॉर दी अदर फोना, जिससे कि फोना क्या होती है बेटा, एनिमल लाइफ, कि जब छोटे छोटे पेड़ पौधे उगते हैं तो उनको कौन खाता है, गायें भैंस जो भी घूम रहे होते हैं जानवर वो खाते हैं। सो आवर ओल्ड होम इज़ फील्ड विद लाइफ एंड कलर, जिससे कि हमारा जो घर है उनका जो घर है वो दोबारा से लाइफ और कलर से फिल हो गया। मतलब उनकी ज़िंदगी में जो बर्ड्स एनिमल्स आपके गार्डन को छोड़ के मेरे गार्डन में आए थे, वहाँ पे उनको वो बड़ा सा पेड़ मिल गया दूसरा, और वहाँ पे उनके लाइफ में दोबारा से ज़िंदगी वापस आ गई उनकी, और उनकी ज़िंदगी में कलर आ गया। कलर मतलब उनकी ज़िंदगी में सब कुछ उनको जो पहले मिलता था वो सब कुछ अब मिलने लग गया है। ओके बेटा, तो यहाँ तक आपको समझाया है, आपने इसमें से 10 वर्ब्स फाइंड आउट करके लिखनी है, और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन।